In this section, we will discuss about the general features of blood vessels. There is general features of blood vessels. Means blood vessels के basic और general features क्या क्या हैं और कौन कौन से types की blood vessels body में present होती हैं. Basically, as we all know about the arteries and veins. These two are the main blood vessels. अगर हम artery की बात करते हैं then this carry blood from heart to different body parts. Heart से different body parts को blood supply करने का काम arteries का होता है. और अगर vein को discuss करते हैं तो vein carry blood from different body parts to heart. Means दोनों opposite network में काम करते हैं. जब vein को discuss करते हैं तो कहते हैं कि vein के अंदर valves होते हैं. Veins have valves. And why the vein have valves? To prevent backflow of blood. Blood के backflow को prevent करने के लिए veins में valves present होते हैं. और third category में अगर हम blood vessel को discuss करते हैं, that is the capillaries. These are the capillaries, and the capillaries are united with artery and vein. Artery और vein के साथ capillaries united होती हैं और जितने भी nutrients body में supply होते हैं, hormones gland से release होंगे, जब gaseous exchange होता है, इन सभी के through they can diffuse into tissue cells through the walls of capillaries. और सभी material को capillaries की walls से different tissue cells में transfer किया जाता है. अगर हम जो artery और vein है उसकी walls को discuss करें तो वहां हम देखते हैं कि तीन type के structures होते हैं, wall of artery and vein. They have three coats. उनमें तीन coats present होते हैं. Three coats are there. First, this is the outermost coat which is named as tunica externa. This is the outermost coat which is named as the tunica externa. And this coat is also tunica externa. We are showing here the two different types of blood vessels. This is the artery and this one is vein. How we can recognize? The arteries have narrow lumen and the veins have large lumen. तो यहाँ जो tunica externa है उसका outermost coat present होता है और इस outermost coat में basically connective tissues present होते हैं. जो tunica media part है, this is the tunica media. इसे ट्यूनिका मीडिया कहा जाता है. मीन्स दिस इज इन द मिडिल लेयर एंड दिस ट्यूनिका मीडिया इज बेसिकली मेड अप ऑफ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू. इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है और इसी के साथ साथ इसमें स्मूथ मसल फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं. एंड इनर मोस्ट लेयर जिसे हम ट्यूनिका इंटरना का नाम देते हैं, दैट ट्यूनिका इंटरना. इस ट्यूनिका इंटरना में दो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. यहाँ ये जो डार्क लेयर हमने शो की है, दिस डार्क लेयर इज नेम्ड एज द इलास्टिक मेम्ब्रेन. इसे इलास्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं. दिस इलास्टिक मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ येलो फाइबर्स की बनी होती है जिसे हम नाम देते हैं इलास्टिन. इलास्टिन येलो फाइबर्स की ये बनी हुई होती है. और जो इनर मोस्ट लेयर है यहाँ पर, जो हमने एक सेल्यूलर फॉर्म में यहाँ शो की है, दैट इज नेम्ड एज द एंडोथीलियम. इसे यहाँ पर
एंडोथीलियम का नाम देते हैं. इन दिस एंडोथीलियम लेयर देयर इज प्रेजेंट द स्क्वैमस एपिथीलियम. इसमें स्क्वैमस एपिथीलियल लेयर प्रेजेंट होती है और इस स्क्वैमस एपिथीलियल लेयर के जस्ट इनसाइड इट देयर इज प्रेजेंट दीज टू कैविटीज विच इज नेम्ड एज द ल्यूमन. ये ल्यूमन कैविटी यहां पर प्रेजेंट होती है. तो हम यहां कह सकते हैं कि जो आर्टरीज होती हैं उसके अंदर सेल्स मोर इलोंगेटेड होती हैं, ल्यूमन जो है वो नैरो होता है, लेकिन जो वेन्स होती हैं उसका ल्यूमन जो है वो यहां पर वाइडर होगा. तो इस तरह से जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें हम थ्री डिफरेंट टाइप्स की कोट को ऑब्जर्व करते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना. उस ट्यूनिका इंटरना में दो पार्ट्स होते हैं. यहां पर सबसे पहले हमने डिस्कस किया इलास्टिक मेम्ब्रेन को और सेकेंड पार्ट हमने डिस्कस किया एंडोथीलियम. सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टरीज एंड वेन्स. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस हेयर अबाउट डबल सर्कुलेशन. यहां पर हम स्पेसिफिकली डबल सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. जब भी हम डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ जनरली टू टाइप्स के सर्कुलेशन होते हैं. फर्स्ट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड सेकेंड इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन. दो टाइप का सर्कुलेशन हम यहां पर नोटिस करते हैं. तो सबसे पहले एक फ्लो चार्ट की हेल्प से दोनों टाइप के सर्कुलेशन को कवर करने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड पास होता है दैट पासिस टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी दिस इज द ब्लड पास्ड फ्रॉम द लंग्स. लंग्स से सबसे पहले ब्लड लेफ्ट ओरिकल को पास होता है. मींस लेफ्ट ओरिकल लंग्स से यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा एंड दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पास्ड टू लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट ओरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करता है विद द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड वाल्व. यहां पर बाइकस्पिड वाल्व से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल को पास हुआ. देन दिस लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स इट्स ब्लड टू बॉडी पार्ट्स. ये बॉडी पार्ट्स को ब्लड पंप करता है एक्सेप्ट लंग्स. लंग्स को ब्लड सप्लाई नहीं होगा लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, ओनली डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई होता है और यहां भी अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स को सप्लाई किया. देन व्हेन दिस बॉडी दीज बॉडी पार्ट्स यूज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन द ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड. वहां पर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होगा एंड दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय द राइट एट्रियम. राइट एट्रियम उस ब्लड को यहाँ कलेक्ट करता है. तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं कि लंग्स से लेफ्ट ओरिकल तक जो ब्लड पास होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन. देन दिस लेफ्ट ओरिकल पासिस द ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल बाय द बाइकस्पिड वाल्व और इसी वाल्व को हम यहाँ पर मिट्रल वाल्व का नाम देते हैं. आफ्टर दैट द लेफ्ट वेंट्रिकल passes the oxygenated blood to the body parts with the help of aorta, artery and arterioles and the body uses that oxygenated blood and releases CO2. Then when the hemoglobin mixed with the CO2 then it forms the deoxygenated blood. और deoxygenated blood का collection right atrium पर टू टाइप्स की वेना कावा करती है जिसमें सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा या कोरोनरी साइनस राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर करते हैं. देन दिस राइट एट्रियम शिफ्ट इट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल को अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करते हैं. देन अगेन दिस राइट वेंट्रिकल पासिस द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स. कैसे यहां पर जो प्रोसेसिंग होती है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को ब्लड पास करती है बाय द ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व एंड दिस राइट वेंट्रिकल पासिस द ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स बाय द पल्मोनरी
आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है लंग्स को, जो कि डीऑक्सीजनेटेड है। एंड अल्टीमेटली ये लंग्स यहां से CO2 को रिमूव करते हैं एंड अगेन O2 को रिसीव करके फर्दर इस प्रोसेसिंग को इसी वे में, इसी पाथवे में कवर करते हैं। तो यहां पर जो सर्कुलेशन है, उस सर्कुलेशन में द पार्ट विच इज कनेक्टेड टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड एज वेल एज फॉर द कलेक्शन ऑफ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट पार्ट शोज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। जैसे हम यहां इसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, द पार्ट विच कंसिस्ट लंग्स दैट इज नेम्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। एंड जहां बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं दैट इज नोन एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, इसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन का नाम देते हैं। सो दिस इज अबाउट द फ्लो चार्ट एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डबल सर्कुलेशन कंटेनिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन एज वेल एज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? बेसिकली फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज टू चेक द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को चेक करता है। सेकेंडली हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज मोर ऑक्सीजन, कैरीज मोर ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करेगा। एंड थर्ड इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज मोर CO2 ऑफ आर बॉडी, हमारी बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिस्टम इज हिपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, हिपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन या इसे हम हिपेटिक पोर्टल सिस्टम भी कह सकते हैं। इसमें स्पेशली क्या होता है कि जो हिपेटिक आर्टरीज हैं, हिपेटिक आर्टरीज जो लिवर से ओरिजिनेट होती हैं या लिवर को ब्लड सप्लाई करती हैं, दे सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम एब्डोमिनल एओर्टा से हिपेटिक आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती हैं। एंड जो हिपेटिक पोर्टल वेन्स दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डाइजेस्टिव ऑर्गन। इट मीन्स यहां फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ऑर्गन टू द लिवर बिफोर रिटर्निंग टू द हार्ट। मीन्स हम यहां पर एक स्मॉल इक्वेशन से लिख सकते हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डायरेक्ट हार्ट के पास पहुंचाने से पहले इसे वेन की हेल्प से लिवर को पास किया जाता है। एंड आफ्टर दैट द लिवर हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग ऑफ द ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसी भी डाइजेस्टिव ऑर्गन से डायरेक्टली हार्ट पर ट्रांसफर नहीं होता, पहले लिवर को पास होगा, आफ्टर दैट इट इज रिटर्न्ड टू द हार्ट थ्रू द लिवर। सो दिस इज अबाउट द हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द हार्ट एक्टिविटी।